हे गाइस, सो फाइनली इंस्टाग्राम रील्स इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स है क्या, तो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम रील्स बिल्कुल टिकटॉक का अल्टरनेट है। जी हाँ गाइस, अब इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली टिकटॉक का अल्टरनेट लॉन्च कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कोई अलग से ऐप है, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं, कोई भी आपको अलग ऐप डाउनलोड नहीं करना है। अब आप इंस्टाग्राम के अंदर ही टिकटॉक जैसी वीडियो बना सकते हैं, जैसे आप लोग टिकटॉक में बना पाते थे। तो गाइस, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे टिकटॉक बैन होने से, जिन लोगों ने टिकटॉक को चाइनीज ऐप की वजह से अनइंस्टॉल कर दिया था या अपने अकाउंट डिलीट कर दिए थे, मैंने भी अपना अकाउंट 27 के फॉलोअर्स वाला टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो एक चाइनीज ऐप था। तो भाई, पहले कंट्री है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, बट अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग टिकटॉक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, टिकटॉक पर रेगुलर स्मॉल 15-15 सेकंड की वीडियोस बनाते थे, तो अब आप वैसी वीडियोस अब इंस्टाग्राम में बना सकते हैं। तो ये जो फीचर है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए लगा क्योंकि ये एक टिकटॉक का अल्टरनेट है। दूसरी चीज ये कि हम लोग ना इंस्टाग्राम नॉर्मली रेगुलर यूज ही करते थे, चाहे हम टिकटॉक यूज करते थे, अदर एप्लीकेशन यूज करते थे, बट फिर भी इंस्टाग्राम को रेगुलर यूज करते थे। तो अब आप जस्ट थिंक सोचिए कि अब हम लोग ना इंस्टाग्राम रेगुलर यूज करेंगे और इसी पे अगर हम लोगों को वीडियोस बनानी है 15 सेकंड की, जो नॉर्मली हम टिकटॉक पे बनाते थे, तो अब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे काम हो जाएंगे। तो यार, बहुत ही मस्त फीचर लगा है। मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम रील्स को कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम रील्स में वीडियोस कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम रील्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज इंस्टाग्राम रील्स। तो मैं आपको इंस्टाग्राम रील्स की एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, तो आपको अब नेक्स्ट कोई सी इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग सारी चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक कर दो। और दूसरी चीज़, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने टिकटॉकर्स फ्रेंड के साथ जो टिकटॉक बैन होने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ऑल्सो मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से जाओ मनीश्वरी सर्च करो इस वीडियो के बाद, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इंस्टाग्राम रील्स को यूज़ कर सकते हैं और उसमें वीडियोस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम में आ जाता हूँ। अब ये सोच रहे होंगे आप, ये किसका इंस्टाग्राम है? तो ये मेरा इंस्टाग्राम का एक डेमो अकाउंट है, ठीक है, मतलब एक ऐसा ही सिर्फ इस वीडियो के लिए मैंने बना रखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह पब्लिश करेंगे, तो इस वजह से यार मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे मैं ऐसे वैसे वीडियो पब्लिश कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो अगर मेरा ऑफिशियल अकाउंट की मैं बात करूं, तो ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, manishforyou_ है, जाके फॉलो करना। जस्ट इस डेमो अकाउंट पे हम लोग इंस्टाग्राम रील्स को चलाना सीखेंगे। तो चलिए, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट हम लोग देखते हैं कैसे इंस्टाग्राम रील्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे स्टोरी वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहां पे जैसे आप लोग स्टोरी वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहां देखेंगे कि हमारा स्क्रीन आ चुका है, डायरेक्टली रील्स वाले ऑप्शन में मैं आ गया हूं। बट अगर आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग यहां वाले ऑप्शन पे भी टैप करेंगे, ये फर्स्ट ऊपर वाले पे या फिर ये स्टोरी वाले पे, तो आप लोग स्टोरी वाले में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रील्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तभी आपको रील्स का ऑप्शन मिलेगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को इंस्टाग्राम रील्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे मिलेगा। सबसे पहले हमें चलना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद, अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है, तो ये जो इंस्टाग्राम का नया फीचर है इंस्टाग्राम रील्स, ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर जिन लोगों को भी नहीं आ रहा, वो लोग अपडेट करना, और अपडेट करने के बाद भी नहीं आ रहा, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट करके बताना, फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, कुछ इस पर रिसर्च करेंगे। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने देखा, मैंने एक दो फोन्स में देखा, उसमें नहीं आ रहा था, तो मुझे शायद ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही या सबके साथ आ रही है, तो कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है ऐप, तो और यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स मेरे इसमें आ चुका है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे यहीं कहीं दोनों साइड कहीं भी मैं लगा सकता हूँ स्क्रीन, तो आप देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैसे इसमें हम लोग वीडियोज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले आप इस वाले स्क्रीन पर टैप करेंगे, तो आपकी जो वीडियो बनना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी इतनी वीडियो बन चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक रेड कलर का आइकन आ रहा है, ये यहाँ पे यहाँ तक आपकी वीडियो बन चुकी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, टिकटॉक में एक ऑप्शन था फास्ट स्लो मोशन का, तो यहाँ पे आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, तो आप लोग 2x में बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे 2x में देखना, ये जो बनेगी वीडियो वो थोड़ी सी फास्ट टाइप की बनेगी। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ से, और 2x मेरे को याद नहीं है कन्फर्म, ठीक है, और ये 0.5 में यहाँ पे स्लो मोशन बनेगी, ठीक है। सो एक काम करते हैं हम लोग,
लोग, और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, सब लोग सोच रहे होंगे यार मेन चीज़ तो म्यूज़िक है और ये म्यूज़िक के बारे में बता नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं शुरुआत से और मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जिस भी सॉन्ग पे या किसी भी गाने पे वीडियो बनाना चाहते हैं, हो सकता है मैं शायद म्यूज़िक को म्यूट कर दूंगा, क्योंकि यार इसलिए म्यूट करूंगा क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट ना आ जाए, बट थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सॉन्ग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये पांडा वाला सॉन्ग हम सिलेक्ट करते हैं, इसकी आवाज़ थोड़ी सी नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोग डन करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया। अब कोई भी आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे सॉन्ग, आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाएंगे। करेंटली हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग शुरुआत में थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है, सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वीडियो बन गई। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, तो सॉरी 2x में स्लो बन रही है मुझे, क्योंकि मैं टिकटॉक में स्लो मोशन फास्ट मोशन ज़्यादा नहीं बनाता था, तो मेरे को याद नहीं है। और 0.5 में हम क्लिक करके यहाँ पे बना लेते हैं, तो फटाफट शायद बनेगी, देखते हैं हम क्लिक। हाँ तो भाई नहीं, वो उसी स्पीड से बन रही है, मतलब 2x में स्लो चल रहा है क्योंकि वो फास्ट होगा, और जिसमें फास्ट चल रहा है उसमें स्लो होगा, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि ये तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स में आप जैसे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट्स में टैप करेंगे तो आपको जैसे कि बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग ये वाला कर लेते हैं चूज़। अब यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो इसके आगे हम लोग बनाना चाहते हैं, जरा टाइमर वगैरह अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ना कि इतना मेरे को यहाँ पे इसके साथ बनाना सेट टाइमर और स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, तो अब क्या हुआ कि देखिए अब आपकी वहाँ पे इतनी वीडियो बनेगी जहाँ तक आपने टाइमर सिलेक्ट करा था, जैसा कि टिकटॉक में ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला, ये देखिए, तो एक ऐसा नॉर्मल सा ऑप्शन है, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं भाई, ऐसी नॉर्मल टिकटॉक टाइप की वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो हमने लगभग सारे फीचर यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, वीडियो को आगे ले चलते हैं और अब देखते हैं हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बन चुकी है, बिल्कुल जैसे हमने सारे इफेक्ट जितने भी थे सब यूज़ कर लिए, स्लो मोशन, फास्ट मोशन और इफेक्ट्स वगैरह जो भी थे, सारी चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर ली है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग पब्लिश किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब वीडियो को अपलोड कैसे करना है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे हम लोग शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐड कैप्शन और हैशटैग जो भी यहाँ पे बता रहा हो लिख देना है। तो हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट रील, लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट रील, ठीक है। सो इसको यहाँ पे करते हैं और इसको यहाँ पे इसको शेयर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्मली जैसे आपकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड होती हैं या आप फोटो अपलोड करते हैं, वैसे ये नॉर्मल अपलोड होगी। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अब ये फिनिश हो चुकी है, ऐसे ही सभी के होम पेज में जाने वाली है, रील्स का ऑप्शन सभी को जाएगा। तो यार इस तरीके से आप लोग अपने इंस्टाग्राम पे रील्स का यूज़ कर सकते हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलें जो परेशान थे टिकटॉक बैन से, और वीडियो को शेयर यानी जरूर कर दें। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर आप लोगों को हमेशा इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। सो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।